पहनावे वाला ये एक बड़ा प्यारा बड़ा प्यारा नजारा है। मैं पहली दफा दरिया में आया वहां। तो गाइस दूसरी तरफ आ गए हैं और अभी जो है ना ये ट्रॉली वगैरह वाले जो है ना ये बड़े बेड़े के ऊपर जो है ना ये पूरी आलू से भरी हुई ट्रॉली जो है ये लोड करेंगे। तो जनाब बहुत ही मजा है, तो यकीन करें लाजमी तरह और देखें कि कैसे लोग आते जाते ना। अच्छा तो गाइस अभी वापस चलते हैं और आज का सफर दरिया का यही है। अच्छा वारिस की भाई जरा की कर रहे हो तुसी? भाई तानू नहीं पता किश्ती पार करना पया किसी दरिया ओ मेनू पार नंगा देवे कड़या मिनता तेरिया कर दी जेड़ा ते मिनता तेरिया कर दी सानू पार नंगा दे ओ सानू पार नंगा देवे बड़या वड्डियां मुछा लिया मिनता पूरा कर दे मुछा भी सही आंगे भैया करी सही दस जरा मन नहीं 6-4 की मुछे बड़ी प्यारी आपकी आ रही है भाई। सही है सही है ना। मैं कहना मूछे हो तो नथु लाल जैसी और मूछे हो तो वारस जैसी। हाँ जी हाँ वाटा शाटा वाटा शाटा। अच्छा जी ओ तेरा ओ तेरा ओ अच्छा तो गाइस अभी जो है ना हम शहजरा के बिल्कुल करीब हैं शहजरा गांव जो है उसके बिल्कुल करीब है और हमने सुना था कि यहाँ पे जो है ना वो लगा हुआ है गुड़ बनाने का बेलना या भट्टी कह सकते हैं वो लगी हुई है। तो अभी जाते हैं लोगों से पूछते हैं कहाँ पे लगी हुई है और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि जो जेन्युइन और ओरिजिनल ट्रेडिशनल जो है गाँव की सर्दियों की सौगात जो है वो है जी गुड़। तो जो आपके सामने बना के और आपको देते हैं तो पूछते जाके रेट क्या है और कैसा जो है ना उनका बिजनेस चल रहा है सारी चीज़ें दिखाते हैं आपको। अच्छा तो अभी जो है ना आपको मैं लेके आ गया यानी कि जीरो लाइन पे इंडिया का पोर्टल आपको दिखाता हूँ मैं और आप जरा देखें और मुझे बताइएगा कैसा सीन है। तो हजूर देख ले आपके लिए क्या क्या कुछ करना पड़ रहा है। अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़तरा भी है और जो हमारे फौजी भाई हैं वो भी इधर आने से रोकते भी हैं क्योंकि सिर्फ लोकल्स को आने की इधर इजाज़त है तो जो आउटसाइडर बंदा है उसको इजाज़त नामा चाहिए होता है। तो अब आपको दिखाता हूँ सामने जो है वो इंडिया का बॉर्डर है। तो अब कैमरा मैन मेरा दिखाएगा आपको सामने तो अच्छा अभी जो है ना वो सामने इंडिया का बॉर्डर है वो आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि मौसम थोड़ा सा अबरा लू है इसलिए काफ़ी ज़्यादा वाद नज़र नहीं आ रहा। तो ये सारा जीरो लाइन के ऊपर लोगों की जो है ना फसलें यहाँ पे काश लोग करते हैं और तो ये आज का मकसद आपको सिर्फ दिखाना था कि जी बॉर्डर एरिया जो है ना कसूर का कैसा है। तो काफ़ी लोग इधर आके वीडियोज़ बनाते हैं तो वारिस मेरे साथ है तो जी पीछे है इंडिया का बॉर्डर आगे हम हैं आपके लिए लड़ने के लिए आ गए हैं। लो तो जनाबे वाला हजूरे वाला आ गए हैं जी शहजरा गांव के अंदर और टाइम हो चुका है 3:30 का और बारिश तो लगी है भूख तो दो समोसे जो है ना ये गटागट खा रहा है गटागट। तो मैंने ये एक समोसा वैसे ले लिया हुआ है
यानी कि खाने के लिए, ये ना समझिएगा। ए भाई समोसे बड़े अच्छे ना भाई, चटनी बड़ी अच्छी है। तो जनाब ठीक है वैसे, जन्म लस्सी की बनी हुई है। दही का नामो निशान नहीं है, सिर्फ पानी और लस्सी है। लस्सी है। और जिसकी कीमत सिर्फ 15 रुपए, लो जी फिर खाने हैं, फिर उसके बाद मिलने, ठीक है। जिसके लिए मैं यहाँ पे आज आया था, आपको पता है कि जहाँ पे गुड़ बनाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली मौसम ख़राब था, जिसकी वजह से आज वो जो है ना गुड़ नहीं बना रहे, तो ये बड़ा डिसअपॉइंटेड है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे आया हूँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये। तो तकरीबन सारा दिन लग गया ढूंढने में, मुझे मिला तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुश्किल था ढूंढना इसको। और गुड़ जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि जो सारा साल जो है ना चलती रहती है। ये बड़ा सा कड़ा है, इसके अंदर जो है ना ये गुड़ को पहले उसके जूस को डालते हैं, उसके बाद उसको गर्म करते हैं और गुड़ जो है ना तैयार हो जाता है। तो ये इसका प्रोसीजर है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं। जनाब वाला ये जो है ना, ये अब बेलना जहाँ पे जिससे जो है ना गन्ने को डालते हैं और जूस निकालते हैं, उसके बाद कढ़ाई में डालते हैं और गुड़ बनाते हैं। तो आज ही देख लें बेचारा दोबारा से की होया भाई, आज तो दिन बहुत ही क्यों मेरा जाया होगी ना, मेरा ज्यादा होगी भाई, दसो हूँ जाहिर भाई हूँ वापस जाना बंद है। वो कहते ने बंदे नहीं लगे, मौसम खराब थी, मौसम की खराब की वजह तो नहीं लगे, बड़ा आज उस तरह खराब हो जाता है मौसम। जब भी आप गांव से गुजरते हैं ना, तो इधर एक स्पेशल चीज़ वो ये होती है कि जो अमरूद है बागों से तोड़ के यहाँ पे लोग बेचते हैं और बड़ा प्यारा सा हट बना के और काट के देते हैं। और वारस जो है ना ये अमरूद ले रहा है भाई, ये कच्चा ला मेरा, कच्चा ला है, फुल कच्चा ऊपर ला है, काचा काचा। तो जनाब जो मेरी पसंदीदा, जो मेरा पसंदीदा जो है ना, अगर तो आप कहें ना अमरूद जो है वो है जी कच्चा, ना इतना पक्का हुआ हो ना इतना ज्यादा कच्चा हो। ये है जी जबरदस्त किस्म का जी, ये बास भाई है जी, ये इधर से आपने ठेका लिया हुआ है इधर से, ये आपके अपना बाग है, ठेके पर लिया, फ्रेश चीज का अपना ही मजा है। तो ये देख ते की वजह है, यानी कि इन्हें कुछ स्पेशल टेस्ट आ जाता है तोड़ के चीज खाने का, या कजात ताजी चीज थानू मिलनी है, कजात थानू बुसी तरक्की मेरी मन है, हैं फर्क देगा ना, फर्क देगा। ए तुसी इना टेस्ट चेक करना, तुसी मंडीओ जाके खा के चेक ओना टेस्ट चेक करना है। लो जी आज जरा फड़ो जी बाबा जी, ए देखो जी जरा फ्रेशनेस इन दी देखो जरा अच्छी है, यकीन करें कि जितना भी झूठ बोला जाए ना उतना कम है। नरम भी है, मीठा भी है और सही लागे बैठा भाई, सही सही लागे। हां जी वारिस किधर जा रहे हो भाई? साग तोड़ने जा रहा हूं, साग है पिंड दी बड़ी सुगात है। ले जी जनाबे वाला अच्छा साग बनता है, साग जो है ये सरसों का साग, और वो भी खुद तोड़ के पकाना, और पकाए भी आपकी वालदा। हाय हाय, तो मैं कहता हूं कि क्या बात है, क्या बात है, ऐसे ही मजा आ जाएगा। जनाबे वाला ये सामने आ गया और अभी साग को तोड़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है जनाबे वाला। पहले चेक करते हैं भाई को, काफ़ी ज़्यादा तजर्बा है, तो ये बताएंगे कि साग तोड़ने वाला भी है या नहीं। साग बड़ा प्यारा लगा हुआ है मेरे ख्याल से, ऐसे ही है। गंदलों का साग क्या होता है, एक नंडी तोड़ के दिखाएं जरा, जो कहते हैं गंदल वाला साग है, गंदलों का साग और मक्खन मकई, ये गंदल होती है, गंदल होती। ले जी वारा साहब बता रहे हैं जी, ये गंदल होती है जी। अच्छा ए गंदल होती है, ये सीधी इतनी है। वाह जी वाह, ये इसका जायका होता है। हाँ। तो जी अभी आपके हो सकता है इलम में इजाफा हुआ होगा। मीठी है। तो जी ये है जी गंदलों का साग, इन्हें साग तोड़ना पे वधिया, देसी सरयों का साग इनू कहते हैं, देसी सरयों का साग। मेरे साथ मौजूद हैं अशरफ भाई हैं, टिपिकल जो है ना इस गांव के रहने वाले हैं और पंजाबी में आपसे बात करेंगे। अशरफ साहब की हाल ठीक हो? खैर शुक्र अल्लाह पाक का दोमा ने। कि आज वेलना से लगदा सी जरा गुड़ काट दे सी ते आज नहीं लगा, लेकिन इन्होंने भाई ने अपने अशरफ भाई इन्होंने ऑफर कराई है कि तू सानू पहले फोन कर देना, असीं स्पेशली
ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੱਤੇ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਲੂ ਉਲੂ ਵੀ ਮੋੜੇ ਲੈ ਲਈ ਦੇ ਨੇ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੱਡੀ ਲੱਦ ਲਈ ਆਲੂਆਂ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਦਾਏ ਬਾਏ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ, ਤੋ ਇਨਕਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੂੰ ਮੈਂ। ਤੋ ਜਨਾਬ ਸਾਗ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ, ਵੋ ਮੇਰੀ ਬਾਈਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸਾਗ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੂਰ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਤੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏਗਾ। ਔਰ ਕਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਝੇ ਆਪਦੇ ਬਤਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਆਜ ਕਾ ਵਲੌਗ ਕੈਸਾ ਲਗਾ, ਸਜਾ ਦੀਜੀਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।